हे गाइस, बेटू आई टी तुम्हारा भाई आज तुमको बताने वाला फ्री फायर इंडिया के सस्ते नशे, सॉरी फ्री फायर मैक्स इंडिया के सस्ते नशे। अरे बाबा, मतलब गाइस एक बार चलता है, दो बार चलता है, तीन बार चलता है, भाई चार चार पांच पांच बार क्यों यार? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मतलब लिटरली आप भी सुनोगे ना अगर मेरी ये वाली स्टोरी एंड देखोगे कि भाई हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आप लोग एकदम मतलब ये बोलोगे फ्री फायर वालों कभी तो सुधर जाओ यार, भगवान से तो डरो। आपको पता होगा रिसेंटली दो दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, तुम्हारे भाई की आईडी चल रही थी रिसेंट टॉप वन में एंड ग्लोबल में, मतलब टॉप वन पे आ चुकी थी आईडी। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दो तीन दिन तक तो हम दो दिन तक थे टॉप वन पे, बट सडनली मेरी आईडी वहां से गायब हो गई थी। ठीक है, एकदम से गायब हो गई थी एंड आई वाज बी लाइक मतलब ये क्या हो गया ब्रो? कल हम लोग खेल रहे थे तो मेरे को लिटरली नहीं पता चला मेरा आईडी गायब कैसे हो गया। एक पल के लिए मैं भी शॉक हो गया जब सारे बंदे खेल रहे थे। एंड फिर कुछ ऐसा होता ना जिसको देखने के बाद भाई हमारा एकदम सीरियस ऐसा लगता है भाई ये क्या हो गया, मतलब एकदम से डर जाते हैं सारे बंदे। मेरी आईडी से लिटरली तीन बंदे खेल रहे थे, मैं खेल रहा था, शानी खेल रहा था एंड एक आर के नाम का बंदा था, हम तीन चार लोग खेल रहे थे, बस इससे ज्यादा कोई नहीं था। एंड अब सभी बंदों ने एक चीज नोटिस करी ना तो सब एकदम शॉक हो गए, मतलब फ्री फायर ने मेरी आईडी कर दी अगेन बैन। आपको पता होगा ग्लोबल टॉप वन पे अभी आ चुके थे हम लोग रीजन में एंड फिर मेरा आईडी बैन हो गया। बट एक बात की खुशी है कि हाँ मेरा आईडी इस बार परमानेंट बैन नहीं किया है, पांच दिन के लिए बैन दिया था एंड अभी शायद ओपन होने वाला है, तीन दिन बचे हैं, तीन दिन बाद मेरा आईडी ओपन हो जाएगा। बट गाइस आपको पता होगा इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि फ्री फायर अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। कुछ टाइम पहले आपने नोटिस किया होगा फ्री फायर ने मेरी ऑलमोस्ट दो तीन आईडी भी बैन दी है। हाँ पांच दिन का बैन और भी मेरी आईडियो में आया है, दो पांच बार, मतलब पांच दिन का जो बैन रहता है वो एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, कई बार आया। आपको पता होगा फ्री फायर जो पांच दिन का बैन देता है ना एक ही रीजन पे देता है, मतलब दो रीजन पे देता है, या तो आप कोई वीपीएन यूज कर रहे हो, अदरवाइज आप x86 जो वर्जन होता है फ्री फायर का उसमें गेम खेल रहे हो तो आपको पांच दिन का बैन आता है। बट मेरे साथ इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे जो बंदे खेल रहे थे या जो भी प्लेयर मेरी आईडी से खेल रहे थे ना किसी का भी x86 वर्जन नहीं था एंड कोई भी बंदा वीपीएन का यूज नहीं कर रहा था। अब भाई आप बात करोगे कि गिलिच वाला सीन है, तो गिलिच तो भाई रीजन पे और भी बंदे चला रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा किसी का एंड ये गिलिच से रिलेटेड है ही नहीं। एंड अब मैं आपको ले चलता हूं अतीत में थोड़ा और पीछे, जो मेरी 83 लेवल की आईडी थी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्लोबल की टॉप वन आईडी। इस आईडी ने जो हिस्ट्री बनाई है ना आज तक इंडियन सर्वर में किसी ने नहीं बनाया, लिटरली 6 टाइम मतलब 6 बार टॉप वन ग्लोबल किया इस सिंगल आईडी ने। अगर आज से करीब कुछ सीजनों पहले जाओगे, मतलब कुछ महीनों पहले, तो भाई हर बार आपको टॉप वन पे यही नाम दिखता था एंड यही यूआईडी दिखती थी, सेम ड्रेस एंड बंदा। आपने से बहुत सारे लोग मेरे को जानते होंगे एंड एक्चुअली आपको पता होगा जब मैं ये बंडल लेके खेलता था ना लॉबी में, भाई पूरी लॉबी तक टीम अप कर लेते थे, ग्रैंड मास्टर वाली पूरी लॉबी टीम अप करती थी। एंड थोड़ा और पीछे जाओगे तो हाँ थोड़ी लॉबी डर जाती थी कि भाई बेटू आईटी आया एंड कुछ गड़बड़ ना हो उसके साथ, लेकिन ये बंदों को कंफर्म रहता था कि वो या तो मेरी टीम पे जाना है एंड ज्यादातर केसेस में सेम ऐसा ही रहता था। बट अभी आते टॉपिक पे, आप सोचोगे ये वाली आईडी भी ऑफलाइन है, शायद इसके साथ भी कुछ सीन हुआ होगा, बट हाँ ये वाली आईडी भी मेरी परमानेंट बैन हो चुकी है। बस ये वाली आईडी है ना जो मेरी परमानेंट बैन हुई है एंड बाकी आईडी मेरी पांच पांच दिन के लिए बैन हुई है एंड मेरे को लिटरली अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ना तो मैं x86 वर्जन में खेल रहा हूँ, ना ही कोई वीपीएन का यूज हो रहा है मेरी आईडियो में। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हारे भाई की आईडी खुलने वाली है, सिर्फ तीन दिन बचे एंड तुम्हारा भाई फिर से टॉप वन जाएगा। लेकिन हाँ गाइस एक चीज मेरे को अभी भी बहुत कमाल की लगती है, अगर भी आप में से कोई भी बंदा वर्ल्ड चैट में अगर जाता है, मतलब जो वर्ल्ड वाला अपना ग्रुप रहता है एंड किसी भी बंदे से एक सवाल करो कि भाई ग्रैंड मास्टर का टॉप वाला प्लेयर कौन है, तो भाई सबके मुंह से, मतलब अगर आपने 10 बंदों में से भी पूछा ना, 10 में से 9 बंदों हमेशा यही बोलते कि टॉप वन का प्लेयर बेटू आईटी है। एंड लिटरली गाइस जब ये चीज मैं सुनता हूं ना मेरे को एकदम मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्या सुन लिया मैंने, मतलब बहुत खुशी होती है ये सुन के। एंड हां जो एक बंदा बचता है ना वो मेरे को कुछ ना कुछ बोलेगा कि भाई ये हैकर के साथ खेलता है, हैक यूज करता है, क्योंकि लिटरली मैं गाइस बता रहा हूं कोई बंदा यकीन नहीं कर पाता, मतलब 10 में से एक दो बंदे तो ऐसे रहते हैं कि भाई यकीन ही नहीं कर पाता कि ये बंदा मतलब बेटू जो बंदा है हर बार टॉप वन कैसे कर लेता है। एंड लिटरली अगर मेरी बात मानोगे ना तो हर चीज के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड तुम्हारे भाई तो भाई यहाँ कॉम्पिटिशन के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारे भाई की हिस्ट्री तुमको पता होगी, रीजन में टॉप वन मतलब मैंने क्यों रैंक पुश करना स्टार्ट किया, लिटरली मेरा कोई मोटिव भी नहीं था रैंक पुश स्टार्ट करने का। एंड जो बंदे मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी आज से 6-7 महीने पहले, सिर्फ उन्हीं बंदों को पता होगा कि मैंने रैंक पुश स्टार्ट किया था। बट हाँ एक बार मैं और बता देता हूँ कि रैंक पुश मैंने जो स्टार्ट किया था मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरे को कभी भी टॉप वन जाना या मेरे को ग्रैंड मास्टर पसंद था। लिटरली आप सोच रहोगे कि बेटू भाई आप इतनी बार टॉप वन कर ले तो आपको ग्रैंड मास्टर ज्यादा पसंद होगा टॉप वन जाना, बट सही आंसर दूं तो इनमें से लिटरली मेरे को कुछ भी पसंद नहीं था। हाँ अब टॉप वन पे जाना अच्छा लगता है, बट जब मैंने रैंक पुश स्टार्ट किया था ना मेरे को रैंक पुश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर तुम्हारे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ ना जिसने तुम्हारे भाई के मतलब गेम में एकदम गेम ही बदल दिया। तुम्हारा भाई जो रैंक पुश से इतना ज्यादा हेट करता था एंड जो कभी भी हीरोइक तक नहीं जा पाता था, बेसिकली सही बताऊं रैंक पुश से मैं इसीलिए हेट करता था क्योंकि मैं हीरोइक ही नहीं जा पाता था एंड मेरा जो एवरेज रैंक रहता था ना प्लेटिनम 4 उसके ऊपर मैं कभी नहीं बढ़ पाता था, डायमंड लॉबी में भी नहीं खेल पाता था, क्योंकि पहले का जो गेम था ना उसको खेलने में अलग ही मजा आता था एंड ये सिर्फ ओल्ड बंदे जान सकते। आज से 3 साल पहले जो गेम लेके जाओगे उसको जो खेलने में मजा आता था ना वो अलग लेवल था। बट धीरे धीरे अपडेट
आते रहे, गेम बिगड़ता गया एंड अब तो बहुत सारे बंदे ने क्विट भी कर दिया। एंड लिटरली कभी कभी मेरे दिमाग में भी ख्याल आता है कि भाई गेम को छोड़ देना चाहिए, भाई गेम में कुछ नहीं बचा। फिर एक पल के लिए सोचता हूँ अगर तुम्हारे भाई ने गेम छोड़ दिया तो भाई टॉप वन कौन करेगा। एंड इस बीच में ये कहना तो भूलिया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम अपने भाई की वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट करके बताना। एंड हाँ गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हो, मेरे को नहीं पता आप कितने बड़े प्रो प्लेयर हो, न्यू प्लेयर हो, कैसा प्लेयर हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक बात का आंसर बिल्कुल ईमानदारी के साथ देना, ठीक है? क्या आपको कभी भी वर्ल्ड चैट या किसी रैंडम बंदे ने ग्रुप में बुला के नूब बोला, मतलब जैसे बोल दिया हो कि नूबड़ा कहीं का, बॉट कहीं का, ऐसा कुछ बोला तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये चीज कुछ ऐसी है। मतलब कोई बंदा इंसल्ट कर देता है ना तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। एंड तुम्हारे भाई ने रैंक पुश इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जब तुम्हारा भाई किसी बंदे के एक यूट्यूबर के ग्रुप में गया था, एंड उस वक्त मैं उस ग्रुप में मिला था एक ग्रैंड मास्टर के प्लेयर वाले बंदे से। अब मेरे को लिटरली अच्छे से याद नहीं है कि वो ग्रैंड मास्टर पे था या फिर हीरोइक पे, उसको 4-5 स्टार कुछ थे जहाँ तक मेरे को याद है। एंड उस ग्रुप में मैं ऐसे बंदे से मिला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं एक और बार उसके ग्रुप में मिला, तब उसमें रीजन का बंदा खड़ा था, शायद टॉप 10 के अंदर था, मेरे को लिटरली याद नहीं। उस बंदे ने शायद बाद में टॉप 1 भी किया होगा यार, नहीं पता, बट हाँ वो टॉप 5 का बंदा था क्योंकि सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ा था वो टॉप 5 में पहुंच गया था। एंड उस बंदे से सिर्फ मैंने एक सवाल पूछा था कि ब्रो कैसे टॉप 1, मतलब आप ग्रैंड मास्टर रैंक उस कैसे कर लेते हो। लिटरली ज्यादातर बंदों के मन में सवाल रहता है कि जैसे कि अगर आपको जानना है कि टॉप 1 कैसे करना है तो आपको टॉप 1 वाले बंदे से थोड़ा हिंट लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो टॉप 1 कैसे कर लेता है। रीजन में इतने सारे बंदे रैंक पुश करते हैं फिर भी टॉप 1 वाले बंदे अलग होते हैं, जो टॉप 1, 2, 3 पे होते हैं ना वो अलग बंदे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि उस बंदे से थोड़ा एडवाइस मांग लूंगा कि कैसे टॉप 1 किया जाता है। एंड तुम्हारा भाई भी सोच रहा था, एंड मैंने लिटरली कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं टॉप 1 के लिए पुश करूंगा। मैं जस्ट ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया था कि भाई मेरे को भी बता दो यार टॉप कैसे कर लेते हो रैंक पुश में। एंड लिटरली गाइस वो बंदा इतने एटीट्यूड के साथ बोलता है मेरी रैंक देख के, भाई तेरी क्या औकात है नूब वगैरह, मतलब इतना कुछ ग्रुप में बहस होता है। लेकिन तुम्हारा भाई ना उस दिन ग्रुप में कुछ नहीं बोला था, माइक बंद कर दिया था, एंड लिटरली टाइपिंग में ही मैं ये बोल के गया था गुड ब्रो अच्छा किया, एंड मैं ग्रुप लेफ्ट कर दिया था। एंड उस वक्त तुम्हारा भाई राकेश भाई का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए मेरी आईडी का भी नाम था राकेश 4, मतलब 4x07 रख रखा था। एंड लिटरली बता रहा हूँ आईडी यही थी जो अभी के टाइम पे मेरी बैन हो चुकी है, इसी का नाम मैंने राकेश सर्पल 07 रखा था। फिर क्या था, तुम्हारे भाई की सनक गई, एंड फिर तुम्हारे भाई ने नाम रखा था रोहित भाई YT। एंड जैसे ही नेक्स्ट सीजन आया, जो रैंक पुश तुम्हारे भाई ने स्टार्ट किया ना सीधे टॉप 1, मतलब ना मैंने किसी की एडवाइस ली, ना किसी को मैंने फॉलो किया, एंड सीधे जाके टॉप 1 पे बैठ गया। एंड उसके बाद से तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे मैं हर बार टॉप 1 चला ही जाता हूं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड मेरा आईडी 3 दिन बाद खुल जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, तुम्हारा भाई कहीं नहीं गया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा टॉप, बाय, टेक केयर।